हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा वीडियो है साबुदाने और चावल की खीर। तो चलिए आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है दूध जो कि 2 पैकेट लिया है, ये चावल और ये खोआ है, ये घी है हमारा और ये शक्कर है, ये एक लौंग और 2 लौंग और एक इलायची है, ये हमारे मेवा है और ये है साबुदाना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि मैं घी ये वाला यूज कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसको हमें गर्म करना है, मतलब खाना है और इसे हमें पीसना है। मैं ये दोनों काम करके वापस आ रही हूँ और अब हम इसमें ऐड करेंगे और इतना ही मतलब दरदरा होना चाहिए थोड़ी सी। मतलब आधा बारीक बारीक टुकड़ा होने लगे, उसके बाद ये साबुदाना है। हम साबुदाना ऐड करेंगे इसलिए क्योंकि साबुदाना रेड से गलता है। पहले हम साबुदाना ऐड करेंगे, उसके 10 मिनट की आप उसके 10 मिनट बाद हम चावल ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारे साबुदाना ऐड करेंगे इसे एक बार चलाएंगे और बीच बीच में हम ऐसे इसे चलाते रहेंगे। इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकने देना है खाली, उसके बाद ही हम चावल डालेंगे। चावल ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा खड़े भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दरमियान के साइज होना चाहिए, मतलब हल्का दरदरा। फ्राई कर देंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ये पूरी थिक हो चुकी है और अब हम इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।